फोटो खिंचाबे कि हम फेसबुक पर डाल रहिए, व्हाट्सएप पर डाल रहिए, अहाँ ऑप्शन रहते तो ब्लैकमेल करे ला रखले रहो न, भविष्य में कैसे विधायक के लगल कि हमारे कोई सिगरेट पीते 47 से गोली फायर करते। बिहार में नीतीश कुमार है और जैसे AK 47 की बहार है, हाथ में दो दो AK 47 लहराई जा रही है, कानून को चुनौती दी जा रही है। नहीं नहीं हमरा कोई परेशानी। ये वायरल वीडियो बिहार के बाढ़ का है जहाँ AK 47 जैसे खतरनाक हथियार की नुमाइश चल रही है। कहा जा रहा है कि ये दोनों बंदूकबाज विधायक अनंत सिंह के विरोधी गुट विवेका पहलवान गैंग के हैं, जो बिना डर के AK 47 घुमा रहे हैं। जरा सुनिए दोनों की वो बात जहाँ न खौफ है न डर। वीडियो वायरल हुआ तो लाखों लोगों तक पहुंचा, लेकिन बिहार पुलिस की आंखें बंद है, जो देख नहीं पा रही है, कान बंद है तो सुन नहीं पा रही है, हाथ जैसे बंधे हैं तो शायद पकड़ नहीं पा रही है। बिहार पुलिस जो नहीं देखना चाहती है वो आप देखिए और सुनिए। फोटो खिंचाबे कि हम फेसबुक पर डाल रहिए, व्हाट्सएप पर डाल रहिए, अहाँ ऑप्शन रहते तो ब्लैकमेल करे ला रखले रहो न, भविष्य में कैसे विधायक के लगल कि हमारे कोई सिगरेट पीते 47 से गोली फायर करते। नहीं नहीं हमरा कोई परेशानी है उससे, हमारे तो अरे कर्मी हाल फोन में कने का भाई नाम देवे के तो नहीं दिली, अरे दिली कि नहीं कबाई तो दिली कि नहीं, फिर तो बड़े तब फिर हमारा कोई फर्क पर बंदरा खाना से विषय याद ही में लगल है तो नहीं। वैसे सुशासन बाबू के राज में पुलिस के पास अंग्रेजों के जमाने की 303 मार्का बंदूक है जो चलती नहीं। चंद दिनों पहले पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र को आखिरी सलामी में पुलिस की एक बंदूक से गोली तक नहीं चली, लेकिन अपराधी इसी सूबे में शान से AK-47 लहराते हैं। खैर कभी नीतीश के छोटे सरकार रहे बाहुबली विधायक अनंत सिंह को भी पुलिस ने AK-47 के चक्कर में धरा तो उनके दुश्मन गैंग का वीडियो भी सुशासन पर आरोपों की गोलीबारी कर रहा है। अनंत सिंह ने साजिश का आरोप लगाकर जान बचाने की कोशिश तक की थी। काहे के मीटिंग हुआ सो जान गए कि इंटर PC में मीटिंग किया जिसमें ललन सिंह थे, नीरज था, नीपी सिंह थे, मुकाबला ललन सिंह के बुलाया गया कि एग्जाम करो सामान के, सामान लाके दो एग्जाम करके दिया, उसके बाद एगो हमारे गोतिया का दिया गया जिसको नाम है जसवीर राव करणवीर, ये दू गो के दिया गया जो हमारा घर रखवा दिया ले जाके हमारा घर भी। बिहार में आखिर AK-47 आई कहां से, कैसे और किस दम पर, जो बंदूक निजी इस्तेमाल के लिए नहीं वो अपराधियों के हाथ तक कैसे पहुंची? बीच में बड़ा स्टूप पर है आज तक। ब्यूरो